Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों में बड़ा नाम शुमार मुख्तार अंसारी के बड़े भाई, जो कि सांसद थे और गैंगस्टर के मामले में उनको 4 साल की सजा हुई थी। फिलहाल वो भी गाजीपुर की जेल में सजा काट रहे हैं, लेकिन उनके इस मामले यानी कि सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया था, तो उसको लेकर एक चौंकाने वाली खबर आ गई है। पूरी जानकारी क्या है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। दरअसल बात करें तो उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई और पूर्व सांसद फजाल अंसारी की गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब 24 मई की तारीख तय कर दी है। अफजाल के अधिवक्ता यानी कि उपेंद्र उपाध्याय ने बताया कि शुक्रवार को अपील पर सुनवाई के लिए राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ने बहस के लिए 2 दिन का समय मांगा। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 24 मई की तारीख लगा दी है। अफजाल अंसारी की ओर से दाखिल अपील में सजा के फैसले को चुनौती देने के लिए कई आधार लिए गए हैं। अपील में मुख्य आधार यह लिया गया है कि 2 बार सांसद और 5 बार विधायक रहे अफजाल अंसारी को राजनीतिक रंजिश के कारण गैंगस्टर एक्ट के तहत इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। साथ ही कृष्णानंद राय हत्या के जिस मुकदमे में आधार पर अफजाल अंसारी पर वर्ष 2007 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था, सत्र न्यायालय ने उस हत्याकांड में अफजाल अंसारी को दोष मुक्त भी करार दिया है। एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय के अनुसार अपील में यह भी आधार दिया गया है कि गैंगस्टर एक्ट का यह मुकदमा वर्ष 2007 में हुआ था और उसके बाद से अब तक अफजाल अंसारी के विरुद्ध एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि गैंगस्टर एक्ट के आरोप से जुड़ी जनता की ओर से एक भी शिकायत नहीं हुई है। गैंगस्टर एक्ट का यह मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया था। अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बताया कि अपील सोमवार को हाईकोर्ट में दाखिल किए जाएंगे। अंसारी पर वर्ष 2007 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। सदर न्यायालय ने उस हत्याकांड में अफजाल अंसारी को दोष मुक्त भी करा दिया था। एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय की बात करें तो उनके अनुसार अपील में यह भी आधार लिया गया है कि गैंगस्टर एक्ट का यह मुकदमा वर्ष 2007 में दर्ज हुआ था और उसके बाद अब तक अफजाल अंसारी के विरुद्ध एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि गैंगस्टर के आरोप में जुड़ी जनता की ओर से एक भी शिकायत भी नहीं हुई है। गैंगस्टर एक्ट का यह मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया था और जानबूझकर फंसाया जा रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, अफजाल अंसारी को सच में सरकार द्वारा जो पॉलिटिकली रंजिश है उसके कारण फंसाया जा रहा है? इस पर अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद।